नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिपिन में। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे, हम लोग का चैप्टर चल रहा था भारत के द्वीप। तो भारत के द्वीपों के क्रम में हम लोग सबसे पहले देखे थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और आज वहीं से हमने टॉपिक लिया है लक्षद्वीप। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह था भारत के पूर्वी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पे था। ये हिंद महासागर है इस साइड में, हिंद महासागर ये देख रहे होंगे। आपका भारत का जो है प्रायद्वीपीय भारत का मैप है, और दक्षिणी सिरा है जिसमें हमने प्रदेशों को नाम लिख दिए कि कौन कौन से तटीय प्रदेश हैं समुद्रों के किनारे। इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में आएंगे तो हिंद महासागर है, और इधर पश्चिम में आएंगे तो अरब सागर है। सबसे पहले कि जैसे ज्योग्राफी का कोई भी टॉपिक आपको अगर समझना है तो आप लोग जो है एक एटलस ले लीजिए, और एक जो है इंडिया और वर्ल्ड का एक मैप जरूर ले लीजिए, और इसे अपने रूम में रख लीजिए। तो इससे क्या होगा कि जब भी कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे, आपको समझना है, देखना होगा, तो इसमें बहुत आसानी होगी। तो ये प्रायद्वीपीय भारत का जो मैप आप देख रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहला जो द्वीप समूह पढ़ा था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित था, इसके बारे में पिछली वीडियो में हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग को पढ़ना है लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप जो है भारत का जो है पश्चिमी तरफ, जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र अरब सागर है, उसमें स्थित द्वीपों का एक समूह है, जो कि भारत के राज्य केरल से लगभग 300 किलोमीटर पश्चिम में स्थित द्वीपों का समूह है, जो कि बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, और कुल मिला के यहाँ लगभग 36 द्वीपों का एक समूह है, जिसमें से कुछ ही द्वीपों पर मानव की आबादी है। तो सबसे पहले लक्षद्वीप के बारे में हम लोग सबसे पहले बेसिक जानकारी देखते हैं कि क्या है। तो यह जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो 1 नवंबर 1956 को जो है इसको एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और बाद में 1973 में जो प्रमुख तीन द्वीप थे यहाँ के, सबसे दक्षिण में जो रेड कलर से आप देख रहे हैं मिनिकाय, मिनिकाय, उसके बाद यहाँ आएंगे आंद्रोत, आंद्रोत द्वीप है, मिनिकाय द्वीप, आंद्रोत द्वीप, और ये है अमीन दीव। ये तीन द्वीप समूह है, मुख्यतः जो लक्षद्वीप है इन्हीं तीनों द्वीपों के समूह को मिला के, कुल मिला के 36 द्वीप हैं, तो इन्हीं तीनों द्वीपों के समूहों को मिला के 1973 में इसका नाम रखा गया लक्षद्वीप, और जो है क्या कहते हैं, ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। और क्षेत्रफल की बात करें तो जैसे हम लोगों ने देखा था अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर था, तो वहीं लक्षद्वीप का क्षेत्रफल केवल 32 वर्ग किलोमीटर है, 32 वर्ग किलोमीटर, यानी कि बहुत ही छोटा, बहुत ही कम, 36 द्वीप मिलकर 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल ही बना पाते हैं। तो इस प्रकार जो है लक्षद्वीप जो है बहुत ही छोटा जो है केंद्र, मतलब सातों केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे सातों केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप, और इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी ये एक द्वीप है कवरत्ती, कवरत्ती ये इसकी राजधानी है, द्वीप का नाम भी यही है और ये राजधानी भी है, और सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा नगर भी यही है इस द्वीप का। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी कि लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र अरब सागर में स्थित है। अब ये कुल मिला के 36 द्वीपों का एक समूह है, और इसकी राजधानी क्या है, कवरत्ती। और अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ से लक्षद्वीप से केवल एक लोकसभा सदस्य निर्वाचित होता है, अंडमान निकोबार से भी एक ही था और लक्षद्वीप से भी एक ही है। ये तो हो गया लक्षद्वीप के बारे में बेसिक जानकारी।
अब हम लोग देखेंगे कि लक्षद्वीप जो द्वीपों की विशेषता क्या है और इन द्वीपों पे क्या क्या प्रमुख रूप से पाया जाता है या फिर इन द्वीपों में प्रमुख रूप से विशेषताएं क्या हैं। तो इसके लिए हम इसको मिटाते हैं। अरब सागर है, सबसे पहला कि जो लक्षद्वीप है ये एक कोरल द्वीप है या प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप क्या है? प्रवाल द्वीप है जो मूंगा चट्टानों से बना है। मतलब लक्षद्वीप क्या है? एक प्रवाल द्वीप है जो मूंगा चट्टानों से बना है। तो सबसे पहले ये शब्द समझेंगे कि प्रवाल क्या होता है या फिर कोरल क्या होता है। प्रवाल या फिर इंग्लिश में इसी को कोरल बोलते हैं। कोरल क्या होता है इसको समझेंगे, दो तीन मिनट लगेगा समझ लेंगे तो फिर ये जो है कभी भूलेगा नहीं। जैसे हमने यहाँ पे एक फिगर बनाया है, इसमें दिख रहा होगा कि जो है ये समुद्र का तली है, सतह, समुद्री, ये समुद्री सतह है। इस समुद्री सतह यानी कि जल के नीचे समुद्र में जो है जो धरातल होता है वो कहीं चिकना होता है, कहीं उबड़ खाबड़ होता है, तो समुद्री सतह है। तो उसी समुद्री सतह में जहाँ पे समुद्र का जल छिछला होता है, मतलब गहरा समुद्र जहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पर समुद्र में एक जीव पाया जाता है जिसका नाम है मूंगा, मूंगा जीव, या फिर इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कोरल जीव। तो एक प्रकार का जीव होता है जो बहुत छोटा होता है, मूंगा बोलते हैं उसको। और ये कहाँ पाया जाता है? समुद्र में, उस क्षेत्र में पाया जाता है जिस क्षेत्र की मिट्टी में चूने की अधिकता होती है और जल छिछला होता है, मतलब समुद्र गहरा नहीं होता। तो मूंगा जीव जो है ये क्या करते हैं, इन अपना जो है इनका प्रिय भोजन होता है चूना मिट्टी, चूना मिट्टी को खाते हैं। और जो है इनकी एक इनके शरीर के ऊपर एक विशेष प्रकार का कवच होता है जिनमें ये ढके रहते हैं। छोटे छोटे जीव होते हैं, एक विशेष प्रकार का कवच पाया जाता है जो बहुत ही मजबूत होता है। और कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे गांवों में जो है तालाब में एक घोंघा पाया जाता है तो उसके ऊपर जो है एक कठोर कवच होती है उसके शरीर के ऊपर, उसी प्रकार से मूंगा जीव होता है जिसके शरीर के ऊपर एक कवच पाई जाती है, एक आवरण पाया जाता है, और जो है वो क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। तो ये माना गया है कि जो लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है ये प्राचीन काल में जो है ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा जो थे वो जो है धीरे धीरे ठंडे हो गए और ये जो है जल में डूब गए। मतलब यहाँ पे क्या है कि जल जो है समुद्र जो है वो छिछला है, यहाँ पे ज़्यादा गहरा समुद्र नहीं है, क्योंकि वैसे भी तटीय भाग हैं, तटीय भाग के किनारे किनारे जो है समुद्र उतना गहरा नहीं होता। जैसे जैसे आप बीच में जाएंगे वैसे वैसे आपको समुद्र गहरा मिलेगा। वैसे आप अगर मैप या फिर एटलस लेके देखिएगा तो एटलस में जहाँ भी आपको समुद्र गहरा होगा वहाँ पे वहाँ का भाग एकदम नीला दिखाई देगा, नीला कलर से होता है। लेकिन जैसे जहाँ पे छिछला समुद्र होता है वहाँ का भाग कुछ हल्का सफ़ेद दिखाई देता है, एटलस में आप लोग देखिएगा। तो ये जो छिछला भाग है इसको क्या है कि वास्तव में क्या है, अंतःसागरीय जो है डूबे हुए ज्वालामुखी चट्टानों के चबूतरे हैं। चबूतरे का मतलब एकदम समतल भूमि, जैसे हमने यहाँ बताया है ये हमने यहाँ से यहाँ तक समतल बनाया है ये समुद्री सतह, तो इसको चबूतरा बोलते हैं। और मूंगा जो जीव होते हैं जिन पर एक विशेष प्रकार का ठोस आवरण पाया जाता है वो क्या करते हैं कि इसी मिट्टी को खाते हैं क्योंकि इसमें चूने की मात्रा होती है, और इसी पे ये चिपके रहते हैं। जैसे हमने ये बनाया है ये रेड कलर से दिखाया है, ये छोटे छोटे जीव हैं ये चिपके हुए हैं। जैसे एक चबूतरा है इसके ऊपर ये जीव है, ये इस पे चिपका हुआ है। ये धीरे क्या करेगा, कुछ समय बाद ये मर जाएगा, मृत हो जाएगा, तो जो दूसरा मूंगा आएगा वो इसी के ऊपर जो है चिपक जाएगा और इसके शरीर से जो चूना प्राप्त होगा उसी को खाएगा और अपना जीवन जो है निर्वाह करेगा। धीरे धीरे ये भी जब मृत हो जाएगा तो इसके ऊपर दूसरा मूंगा आएगा वो चिपक जाएगा। इस प्रकार जो है ये एक कॉलोनी बनाते हैं, मतलब करोड़ों की संख्या में जहाँ भी रहते हैं करोड़ों की संख्या में कॉलोनी के रूप में रहते हैं। और ये जो है एक दूसरे के ऊपर
ये अपना जो है चिपकते जाते हैं और अपने नए आवरण का निर्माण करते हैं, मतलब नए उनका जो खोल होता है ऊपर का कवच होता है, जब ये नीचे वाला मर जाएगा इसके ऊपर आगे ये चिपकेगा, तो इसी से ये अपना भोजन प्राप्त करेगा, एक नए आवरण का निर्माण करेगा और इसी पे ये पड़ा रहेगा। धीरे धीरे ऐसे ये प्रक्रिया जो है कई हजारों वर्षों तक चलती रहती है, जैसे हमने ये बनाया है, तो ये एक दूसरे के ऊपर जो है चिपकते जाते हैं और नीचे वाला जो है मृत होता जाता है, और ये ऊपर तक आते आते जब यह जल की सतह तक आ जाते हैं, क्योंकि ये जल में ही रहते हैं, ठोस ऊपर जो है सतह पर नहीं रहते हैं, जल के अंदर ही रहते हैं, तो जब तक ये सतह पर नहीं आ जाते जो है ऊपर जल की सतह पे, तब तक ये धरातल से सतह तक एक दूसरे के ऊपर ऐसे चिपकते चिपकते आते रहते हैं। जब ये सतह पे पहुंच जाते हैं तो फिर नीचे से, और जो है ये संख्या में करोड़ों तक होते हैं, कॉलोनी होती है इनकी। तो इस प्रकार जो है एक सतह जो है नीचे ठोस जल के अंदर से लेके ऊपर बाहरी भाग तक एक ठोस जो है सतह या एक ठोस चट्टान का निर्माण हो जाता है, क्योंकि क्या है कि जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता जाता है इनके ऊपर जो है जल का और इनके खुद के बाहर का प्रेशर पड़ता है, और ये नीचे वाला भाग एकदम ठोस होता जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे भी कठोर होता है, तो ये जो है एक चट्टान के रूप में, इसे बोलते हैं मूंगा चट्टान, मूंगा चट्टान। तो जो है इस प्रकार यह जो है काफी दूर में 50-100 किलोमीटर इतने क्षेत्र में, या फिर जो है 200-400 किलोमीटर क्षेत्र, इनका मतलब एक पूरी कॉलोनी होता है, कॉलोनी में बसे होते हैं और ये काफ़ी लंबे क्षेत्र का निर्माण करते हैं। तो कई हजारों वर्षों तक ये जो है प्रक्रिया चलते चलते एक द्वीप का रूप ले लेती है, एक चट्टान का, मतलब समुद्र में एक चट्टान बन जाती है, तो इसी को बोलते हैं मूंगा चट्टान। और ये जो लक्षद्वीप समूह है ये मूंगा चट्टान से निर्मित है, यहाँ जितने द्वीप हैं इसमें से तो कई जो है द्वीप ऐसे हैं सिर्फ मूंगा चट्टान, वहाँ पे मिट्टी है ही नहीं। तो ये जो ऊपर का सतह है, ऊपर का सतह यहाँ पे जैसे धूप लग रही है, बारिश हो रही है, तो ये जो है कठोर हो जाती है काफ़ी, और जो है एक प्रकार की समतल भूमि टाइप में बन जाती है और लोग इसी पे रहते हैं, इसको द्वीप बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोरल द्वीप या फिर प्रवाल द्वीप, वही शब्द है कोरल या प्रवाल। और क्या होता है कि मूंगा जो चट्टाने होती हैं ये कहाँ पाई जाती हैं समुद्र में, समुद्र के छिछले भागों में, जहाँ समुद्र गहरा होता है वहाँ पे मूंगा जीव नहीं होते हैं, छिछले में पाए जाते हैं। और इनकी एक विशेषता और है कि ये समुद्र के उस भाग में पाए जाते हैं जहाँ समुद्र का जल गर्म होता है, समुद्र का जल मतलब समुद्र का जो ठंडे जलों में या ठंडे समुद्रों में नहीं पाए जाते। वैसे भी देखेंगे कि जो लक्षद्वीप है ये भारत का लगभग, अगर माने तो यहाँ से गई है श्रीलंका के दक्षिण से 0 डिग्री, और भारत के इधर गुजरात से गई है कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, और जो है इसके नीचे जो है जाएंगे तो मकर, तो मतलब ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। अगर यहाँ छोटा बना दें, ये 23.5 डिग्री, ये 0 डिग्री और ये 23.5 डिग्री दक्षिण, ये साउथ, ये नॉर्थ, तो ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है ये क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मतलब सूर्य का प्रकाश पूरे वर्ष इन्हीं तीनों रेखाओं के बीच मिलता है, तो इस क्षेत्र का जो जल होता है वो गर्म होता है। तो ये जो मूंगा जो जीव पाए जाते हैं जो है छिछली सतह पर और गर्म जल में पाए जाते हैं। तो क्या है कि जब धीरे धीरे एक प्रकार की कॉलोनी बनाते बनाते एक विशेष प्रकार की चट्टान बन जाती है, जिसे मूंगा चट्टान कहते हैं, एक नए द्वीप का निर्माण होता है। तो जो लक्षद्वीप है इसी प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। अब इसमें क्या है कि जहाँ मूंगा पाए जाते हैं वहीं पे जो है क्या कहते हैं कि मछलियाँ बहुत पाई जाती हैं। इसका रीजन क्या है कि जो मूंगा चट्टाने होती हैं ये छोटी मछलियों के लिए आवास का काम करती हैं। इनमें जो है मूंगा चट्टान है इसमें छोटी छोटी हल्की हल्की दरारें जो पाई जाती हैं, एक एक मूंगा दूसरे मूंगा से जब ये इसके ऊपर अपना चिपकता है तो बीच में हल्की फुल्की दरारें होती हैं, तो इसमें जो है छोटी मछलियाँ घुस जाती हैं, किस लिए, एक आवास के रूप में, कि जैसे बड़े मछलियों से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए इसी में ये रहती हैं और इसी से अपना भोजन प्राप्त करती है, क्योंकि ये जो है चूना मिट्टी और इन सब का बना होता है।
तो छोटी मछलियाँ पाई जाती हैं, और जहाँ छोटी मछलियाँ पाई जाएंगी वहाँ उनको खाने के लिए बड़ी मछलियाँ भी आती हैं। तो जितने जो है मूंगा चट्टाने हैं, जो मूंगा द्वीप हैं, उसके आसपास मछलियाँ काफ़ी पाई जाती हैं। तो यहाँ जो है मेनली क्या होता है, मछली पकड़ने का व्यापार भी होता है। तो इस प्रकार जो है क्या है कि हमने समझा कि जो प्रवाल द्वीप किसे कहते हैं या कोरल द्वीपों का निर्माण कैसे होता है, एक मूंगा जीव होता है जो मूंगा चट्टानों का निर्माण करता है। इस प्रकार जो है क्या है, लक्षद्वीप एक मूंगा चट्टानों से निर्मित द्वीप है। ये हो गया। अब इसके बारे में समझेंगे, लक्षद्वीप के बारे में और क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसको मिटा देते हैं। अब आएंगे लक्षद्वीप। जैसे हमने बताया कि तीन द्वीपों का समूह है, सबसे दक्षिण में है मिनिकाय, उसके ऊपर आंद्रोत, फिर अमीन द्वीप। ये तीनों द्वीपों को मिलाकर जो है बना दिया गया लक्षद्वीप। अब इसमें सबसे पहले पूछा जाता है लक्षद्वीप, इसके नीचे और आएंगे तो एक द्वीप देश है मालदीव, यहाँ है दूसरा देश है मालदीव। तो लक्षद्वीप में सबसे दक्षिण में जो द्वीप है उसे मिनिकाय, मिनिकाय और मालदीव इसके बीच से एक चैनल निकलता है, इसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। मालदीव जो कि देश है, इसकी राजधानी है माले, मालदीव और मिनिकाय के मध्य से एक चैनल निकला है, 8 डिग्री चैनल नाम है इसका। वास्तव में 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसको एक चैनल का नाम दे दिया गया। तो ये 8 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य है, मालदीव और मिनिकाय के मध्य। उसके ऊपर आएंगे, ये हमने बताया था द्वीप है कवरत्ती, जो इसकी राजधानी भी है लक्षद्वीप की, और मिनिकाय और कवरत्ती के बीच जो है एक और चैनल है जिसका नाम है 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। या फिर यहीं पे एक अन्नौर द्वीप है, ये जो आप द्वीप देख रहे हैं छोटे छोटे, ये अन्नौर द्वीप का नाम है इसका, अन्नौर, अन्नौर द्वीप समूह। या फिर कहीं कहीं बुक में आपको मिलेगा कि मिनिकाय और लक्षद्वीप के मध्य जो है 9 डिग्री चैनल, या फिर कहीं कहीं मिलेगा मिनिकाय और कवरत्ती के बीच जो है 9 डिग्री चैनल गुजरता है। तो जो है इसमें चाहे कवरत्ती कहें, चाहे अन्नौर द्वीप कहें, चाहे जो है लक्षद्वीप कहें, तो मिनिकाय और कवरत्ती के मध्य जो है 9 डिग्री चैनल, मालदीव और मिनिकाय के मध्य 8 डिग्री चैनल, ये दोनों चैनल गुजरते हैं। उसके बाद जो है लक्षद्वीप समूह का, जो 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में कुल मिला के, इन समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आंद्रोत द्वीप। लक्षद्वीप समूह का जो है सबसे बड़ा द्वीप, यहाँ लिख देते हैं सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आंद्रोत द्वीप, एग्जाम में आया है क्वेश्चन कई बार। और उसके बाद अगर पूछा जाए कि जो ये द्वीपों का समूह है इसमें सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, मतलब लक्षद्वीप तो एक प्रकार सब 36 द्वीपों से मिलकर बना ही है, लेकिन उसके अंदर भी जैसे हमने कहा था कि ये तीन मिनिकाय द्वीप समूह, आंद्रोत द्वीप समूह और अमीन द्वीप द्वीप समूह, तीनों को मिला के लक्षद्वीप बनाया गया है। तो इन तीनों द्वीप में सबसे बड़ा समूह वाला द्वीप कौन सा है, तो अमीन द्वीप सबसे बड़ा द्वीप समूह। लक्षद्वीप की केवल बात हो रही है, लक्षद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप समूह, लक्षद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप समूह तो कहा हो जाएगा अमीन द्वीप। अमीन द्वीप जो है ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। उसके बाद आएंगे कि जैसे हमने बताया था कि ये जो मूंगा चट्टाने होती हैं, जब ये पानी के जल की सतह तक ऊपर तक पहुंच जाती हैं, तो ये एक प्रकार के जो है चट्टाने बन जाती हैं, और जो है इसके ऊपर जो है मानव या रहने लगते हैं, तो द्वीप कहलाता है। अगर यही द्वीप जो है गोलाकार आकृति में है ये क्षेत्र, तो जो इसको द्वीप बोलेंगे, और अगर ये लंबी क्षेत्र में है दीवार टाइप में, तो इसको रीफ बोलते हैं या भित्ति।
रीफ बोलेंगे या भित्ति बोलेंगे। जब पतला संकरे क्षेत्र में ये जो है निर्माण करते हैं तो इसको रीफ बोलते हैं, और जब एक बड़ा गोलाकार क्षेत्र होता है तो उसको द्वीप बोलते हैं। तो जो यहाँ पे एक सबसे मिनिकाय के उत्तर में आपको ये दिख रहा है, ये द्वीप है जो है, एक जो है कोरल द्वीप है, सबसे उत्तरी कोरल द्वीप है, जिसे नाम दिया गया है चेर बनियानी द्वीप। चेर बनियानी द्वीप ये मिनिकाय का सबसे उत्तरी जो है द्वीप है, चेर बनियानी द्वीप, जो कि क्या है, कोरल द्वीप है, पूरी तरह से मूंगा चट्टानों से बना है। और उसके नीचे आएंगे बेरम गोर, ये जो रेड कलर से हमने दिखाया है, बेरम गोर रीफ है। रीफ का मतलब ये भित्ति है, ये द्वीप नहीं है, ये मूंगा चट्टानों की पतली भित्ति है, जैसे हमने बताया इसको रीफ बोलेंगे, जो पतला सकरा क्षेत्र में बनता है, और अगर ये गोल गोलाई वाले क्षेत्र में बनता है तो उसको द्वीप बोलते हैं। तो बेरम गोर रीफ जो है ये है, और उसके ऊपर सबसे उत्तर में जाएंगे चेर बनियानी द्वीप है। और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है अमीन द्वीप, और सबसे बड़ा द्वीप आंद्रोत द्वीप है। और यहीं पर एक द्वीप है जो है बंगारू द्वीप, इसको मिटा देते हैं तो साफ दिखेगा, बेरम गोर मिटा देते हैं। यहां पे एक द्वीप है बंगारू द्वीप। ये इंपॉर्टेंट इसलिए एग्जाम से कि बंगारू द्वीप पर ही जो व्हेल कंपनी, अपने नाम सुना होगा, व्हेल जो है ऊर्जा के उपकरण यानी बिजली या ऊर्जा के उपकरण बनाती है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तो क्या है ये बंगारू द्वीप पर इसने जो है सौर ऊर्जा का एक बड़ा जो है प्लांट लगाया हुआ है, मतलब कि सबसे बड़ा प्लांट जो है सौर ऊर्जा का व्हेल ने यहाँ के बंगारू द्वीप पर स्थापित किया है। तो ये जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो व्हेल द्वारा जो है सौर ऊर्जा का एक बड़ा जो है यहाँ पे प्लांट लगाया गया है, और किस द्वीप पे है, बंगारू द्वीप पे। तो इतने इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपके लक्षद्वीप से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से कि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित भारत का एक द्वीप समूह है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, और केंद्र शासित सातों केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, और ये कुल मिला के इसका क्षेत्रफल जो है 32 वर्ग किलोमीटर ही है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। इसके दक्षिण, सबसे दक्षिण में मिनिकाय द्वीप समूह है, जो कि मालदीव से 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। उसके बाद मिनिकाय और कवरत्ती के मध्य 9 डिग्री चैनल है। मिनिकाय द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आंद्रोत द्वीप है, और द्वीपों के समूह में देखा जाए तो सबसे बड़ा द्वीप समूह अमीन द्वीप है। उसके बाद यहाँ के बंगारू द्वीप पर व्हेल द्वारा सौर ऊर्जा का प्लांट भी लगाया गया।